हेलो साइन गैंग, कैसे हो तुम सब? सब मजे में हो ना? आई एम स्टक ऑन द सेम डे फॉर 1000 ईयर का चैप्टर नंबर 6 शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें ली रियू के भाई को दिखाया जाता है। वो बहुत ही बड़े सदमे में होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मेरी बहन प्रेग्नेंट है? क्या उस बच्चे का बाप ये है? क्या ये सब सच है या फिर झूठ है? फिर हमें वी चैन और ली रियू को दोनों को एक साथ दिखाया जाता है और ली रियू का भाई अपने मन में बोल रहा होता है, लेकिन ये लड़का उतना बेकार भी नहीं है, लेकिन ये उतना ज्यादा सुंदर भी नहीं है, तो फिर आखिर मेरी बहन इसके साथ क्यों है? फिर ली रियू टाए अपने मन में बोल रहा होता है, एक मिनट, मेरी बहन को तो उससे ज्यादा उम्र के लड़के पसंद है और ये लड़का तो ऐसा लग रहा है कि 20 साल का है, आखिर मेरी बहन इसके साथ क्यों घूम रही है? और बोलता है, एक मिनट, का ये मेरी बहन को फंसाना चाहता है? मैंने सुना है कि प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं और यहाँ तक कि गधे भी। नेक्स्ट सीन में हमें वी चैन को दिखाया जाता है, वो किसी और लड़की के साथ होता है और ली रियू को साइड में फेंक दिया होता है। ये सब सोचकर ली रियू के भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे अपनी बहन को बचाना होगा इस आदमी से। तभी ली रियू टाए वी चैन से पूछता है, आखिर तुम दोनों मिले कब? तभी वी चैन बोलता है, 3 महीने पहले जब तेरी बहन अपने कंपनी में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को नौकरी दे रही थी तब। ये बात सुनकर ली रियू अपने मन में बोल रही होती है, ये बात सच है कि मैं 3 महीने पहले सबको नौकरी दे रही थी, लेकिन ये बात इसे कैसे पता? फिर ली रियू टाए वी चैन को उंगली दिखाकर बोल रही होती है, तू बस मेरी बहन को 3 महीने से जानता है और इतने कम समय में मेरी बहन तुझे पसंद भी करने लग गई, आखिर कैसे? तभी ली रियू टाए वी चैन के पास आ जाता है और उसे चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मेरे लोग कह रहे थे कि तू उस क्लब में उस रात को एक लड़की के साथ था। ये बात सुनकर ली रियू वी चैन को बोल रही होती है, क्या कहा, लड़की? तभी वी चैन बोलता है, मुझे गलत मत समझ, वो लड़की का नाम म्यू क्विन है और वो म्यू सी हाई की बेटी है। तुम लोग को तो पता ही होगा म्यू सी हाई ईस्ट चाइना सी का बायोमेडिकल ग्रुप का मालिक है। तभी वी चैन दूसरे आदमी को देख कर बोल रहा होता है, इस बात से याद आया, तुझे उस चीज के लिए मुझे शुक्रिया करना होगा, अगर मैं उस रात को तेरे गुंडे लोग को नहीं रोकता और वो लोग उस लड़की साथ कुछ कर देते तो तुम लोग को पता ही है कि उसका बाप तुम्हारे क्लब का क्या हाल करता। नेक्स्ट सीन में हमें बहुत बड़े ड्रैगन को दिखाया जाता है, वो एक सांप के साथ लड़ाई कर रहा होता है और वी चैन अपने मन में बोल रहा होता है, ईस्ट चाइना सी म्यू ग्रुप जो बायोमेडिकल ग्रुप चलाता है वो ईस्ट चाइना में सबसे ज्यादा टैक्स और पैसे खर्च करता है गवर्नमेंट पे, यहाँ तक कि मिलियंस ऑफ डॉलर वो लोग के लिए पानी की तरह है और बहुत सारे बड़े बड़े लोग के साथ उठना बैठना है। और अगर हम लोग ईस्ट चाइना को ड्रैगन समझ सकते हैं तो म्यू ग्रुप उस ड्रैगन के सामने एक सांप के बराबर है। इसका यही मतलब है कि वो ड्रैगन से कम पावरफुल है लेकिन है उसके पास ही बहुत पावर है। फिर वी चैन ल्यू रियू टाए को बोल रहा होता है, अगर तुम लोग म्यू ग्रुप के साथ लड़ाई भी करते और तुम लोग जीत भी जाते तुम लोग का नुकसान बहुत ही ज्यादा होता। ये बात सुनकर ल्यू रियू टाए थोड़ा शांत होता है और वी चैन को बोल रहा होता है, तेरा शुक्रिया। और ली रियू अपने मन में बोल रही होती है, मैंने सोचा नहीं था कि मेरा भाई इतनी जल्दी शांत हो जाएगा, जिसे कोई भी इतनी जल्दी मना नहीं सकता, उसे वी चैन ने बस थोड़ी सी बात में शांत करवा दिया। और बोल रही होती है, अभी अपनी बकवास बंद करो, यहाँ पर हम लोग एक जरूरी काम के लिए आए हैं। फिर ली रियू अपने भाई को बोल रही होती है, कुछ लोग तेरे सारे क्लब को बंद करवाना चाहते हैं। ये बात सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग वो चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, क्या कहा, किसकी हिम्मत जो हमारे क्लब में हाथ डालने की कोशिश कर रहा है। फिर ली रियू टाए अपनी बहन को बोल रहा होता है, ये नामुमकिन है, मैंने अपने क्लब में बहुत सारे लोग को बैठा के रखा है, वो लोग मेरे को हर एक चीज की बातें बताते हैं और मुझे नहीं लगता कोई हमारा क्लब को बंद करवा सकता है। तभी वी चैन ली रियू टाए को बोल रहा होता है, तुम लोग बहुत सारे लोग को ब्लैकमेल करने के लिए उसका वीडियो बनाकर अपने पास ही रखे हुए हो और तुम लोग का जो बिजनेस शी यू के साथ वो कब का खत्म हो चुका है। वो नाम सुनकर ली रियू चिल्लाते हुए बोल रही होती है, क्या कहा, तू अभी भी उस शिव के साथ मिला हुआ है? मैंने तुझे कितनी बार कहा कि वो आदमी अच्छा नहीं, उसके साथ मत रहे। तभी ली रियू टाए अपनी बहन को बोल रहा होता है, बहन शांत हो जा, मैं तुझे सब कुछ समझा सकता हूँ। तभी वी चैन बोल रहा होता है, तेरी बहन सही कह रही है, शिव अच्छा इंसान नहीं है, इस बार उसने तुझे बेच दिया है और उसने सारा इंजाम तेरे सर पे डाल दिया है और कह रहा था कि ये सब कुछ तेरा किया धरा है। फिर ली रियू टाए वी चैन को बोल रहा होता है, मेरी बहन को पता ही नहीं कि मैं शिव ह्यू के साथ कौन सा बिजनेस करता हूँ, लेकिन तुझे कैसे पता, किसने तुझे बताया? नेक्स्ट सीन में हमें वी चैन और ली रियू को दिखाया जाता है, वो दोनों पास में होते हैं और वी चैन ली रियू को बोल रहा होता है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ ली रियू के लिए आया हूँ, तेरे लिए नहीं, और मैं तेरी मदद इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि तू इसका छोटा भाई है, अगर तुझे कुछ होता तो ये उदास हो जाती, इसीलिए तेरी मदद कर रहा हूँ। ये बात सुनकर ली रियू टाए को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो वी चैन को चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मैं तुझे कह रहा हूँ, अगर तू मुझे सब कुछ नहीं बताया तो ये मत सोच कि तू यहाँ से जिंदा जा पाएगा। ये सुनकर ली रियू अपने भाई को शांत करते हुए बोल रही होती है, शांत हो जाए, इसे अपनी बात पूरी खत्म तो करने दे। फिर ली रियू टाए अपनी बहन को बोल रहा होता है, बहन मुझे पता नहीं आखिर इसने क्या बोल के तुझे फंसाया, लेकिन मुझे इसकी किसी भी बात पे विश्वास नहीं। फिर वी चैन बोल रहा होता है, इस चाइना में बस कुछ ही लोग को पता है इसके बारे में। फिर हमें एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है और वी चैन बोल रहा होता है, 4 महीने पहले लाए बाओ जो ईस्ट चाइना पुलिस में काम करता है उसने तेरे सारे एंटरटेनमेंट क्लब के केस को स्टडी किया है। तभी वी चैन एक पेपर पे कुछ लिख रहा होता है और बोल रहा होता है, उसने बहुत सारे लोगों को तेरे क्लब
क्लब में भेजा अलग अलग नाम से और तेरे क्लब के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की। फिर वी चैन उस पेपर में बहुत लोग का नाम लिखा हुआ होता है और उस लिस्ट को ली र्यू टाई को देते हुए बोल रहा होता है, इसमें लिखे हुए जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग पुलिस के अंडर काम कर। वो लिस्ट देकर ली र्यू टाई बहुत ज्यादा चौंक गया होता है और ग्यूंजी को बोल रहा होता है सबको लेके जा और सबको बोल के अपने अपने हथियार ले ले। और ग्यूंजी बोल रहा होता है हाँ जैसा आप कह रहे हो। और ली र्यू टाई वैंग को बोल रहा होता है इसमें जितने भी लोग का नाम लिखा हुआ है उन सारे लोग के बारे में पता कर। वैंग बोल रहा होता है ठीक है। तभी वी चैन वहाँ से जा रहा होता है और ली र्यू टाई बोल रहा होता है ये सारा इन्फॉर्मेशन तूने ही दिया है, अगर ये गलत हुआ तो ये सब तेरी गलती होगी। तभी वी चैन वहाँ पर सोफे पे जाके बैठ जाता है और ली र्यू टाई को बोल रहा होता है तू मुझे ये बता आखिर तू मुझे कितना पैसा देना चाहता है। नेक्स्ट सीन में बहुत सारे सिगरेट को दिखाया जाता है और ली र्यू टाई के पास एक कैमरा होता है उसके अंदर वीडियो चल रही होती है। उसे देखकर ली र्यू टाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो अपना कैमरा टेबल पटक कर तोड़ देता है और बोल रहा होता है इस लिस्ट में जितने भी लोग हैं सबको पकड़ ले और किसी को छोड़ना मत। फिर वी चैन ली र्यू टाई को बोलता है तू उन लोग को नहीं पकड़ सकता, अगर उनमें से एक भी गायब हो गया तो पुलिस लोग अपना काम करना चालू कर देंगे और उन लोग के पास अभी तो इतनी सबूत है कि वो तेरे क्लब को आसानी से बंद कर सकते हैं। ये बात सुनकर ल्यू र्यू टाई बहुत गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रहा होता है तो आखिर मैं क्या करूं। फिर वी चैन बोलता है क्या तू ऐसे ही चलने देना चाहता है और जेल जाना चाहता है या फिर क्या तू एक सेफ्टी वाला रास्ता अपनाएगा। ये बात सुनकर ल्यू र्यू टाई वी चैन को बोलता है तेरे पास इसका कुछ सलूशन तो है ना। तभी वी चैन बोलता है तू अपने सारे लोग को बोल उस क्लब में नहीं जाने के लिए। ये सुनकर ल्यू र्यू टाई वैंग को ऑर्डर दे देता है और बोलता है अब क्या। तभी वी चैन ल्यू र्यू टाई को देखकर मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है अभी तुम मुझसे माफी मांग तब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। अब हमें अगले चैप्टर मालूम चलती है वी चैन उन लोगों को क्या बताने वाला है जिससे कि वो सारे पुलिस से अपना पीछा छुड़ा सके और क्या ल्यू र्यू टाई वी चैन से माफी मांगता है।